नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एकेडमी के बारे में आप सभी जानते होंगे, इंडिया का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, और साथ में ही आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। पूरा फायदा उठाने के लिए अन एकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, और वहां से जाकर ही आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपके लिए आरपीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। एक महीने से लेकर 24 मंथ तक के कोर्स आप खरीद सकते हैं। जैसा कि 12 महीने का कोर्स जो है वो आपके लिए मात्र 7,000 रुपये में, और 24 महीने का 8,400 में आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन यदि आप रेफरल कोड JL10 अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा जो आपके प्रीवियस ईयर का मुख्य परीक्षा के परीक्षा जो परीक्षा होती है आरएएस मुख्य परीक्षा 2018, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था टेराकोटा बनाने की विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आज हम पढ़ेंगे टेराकोटा है क्या और इसे बनाने की विधि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो टेराकोटा जो है एक हस्तकला है। ठीक है, हाथों से बनाई जाने वाली एक वस्तु है, एक कलाकृति है, और इसका जो निर्माण किया जाता है वो पकी हुई जो मिट्टी होती है उसके द्वारा, उसे पकाकर, मिट्टी को पकाकर उपयोगी जो सजावटी वस्तुएं हैं, उपयोगी वस्तुएं हैं, या किसी प्रकार की जो मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां, उसे बनाया जाता है, तो उसे कहा जाता है टेराकोटा। ठीक है, विशेषता यह है कि ये मिट्टी से बनाई जाती है, मिट्टी को पकाकर बनाया जाता है इसे। और ये राजस्थान में यदि विशेष रूप से बात की जाए तो मोलेला नाथ द्वारा, जो राजसमंद में स्थित है, वहां पर स्पेशली ये बनाई जाती है। एक चीज आप ध्यान रखें, टेराकोटा जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, यदि पूछा जाए तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मोलेला नाथ द्वारा, जो राजसमंद में स्थित है। वहां पर इसे हिंगाण कला भी कहा जाता है, हिंगाण कला। ठीक है, मोलेला की स्पेशल विशेषता ये है कि वहां पर जो है, वहां के जो निवासी है, आदिवासी लोग हैं, और अलग अलग जाति के जो लोग हैं, वो पौराणिक जो लोक देवता है या पौराणिक कथाएं है उसके आधार पर जो है मिट्टी की जो मूर्तियां है वो बनाते थे। तो सबसे पहले विशेषता ये है कि वहां पर देवी देवताओं की जो मूर्तियां है वो सबसे ज्यादा बनाई जाती थी, और उसी के कारण उसे वहां पर कहा जाता है हिंगाण कला भी से कहा जाता है। तो मोलेला की विशेषता आप ध्यान रखें कि इसमें देवी देवताओं की प्रमुखता रहेगी आपके। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक ये इमेज में आप देख सकते होंगे, एक टाइल्स का आकार दिया जाता है और उसके ऊपर जो है कलाकृति दिखाई जाती है, इस प्रकार की जो है मिट्टी की कलाकृति बनाई जाती है। और यहाँ के जो थे मोहनलाल कुमावत ने इनमें विशेषता हासिल की, और इसी के कारण इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब ये जो प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रकार से बनाई जाती है दोस्तों, ये तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि मिट्टी से बनाई जाती है, स्थानीय लाल मिट्टी, वहां की जो स्थानीय लाल मिट्टी है उसके द्वारा ही बनाई जाती है। ये जो मिट्टी है वहां पे पास में ही बहने वाली बनास नदी जो है वहां से लाई जाती है। इस मिट्टी के साथ में 1/4 जो है गधे की लीद भी मिलाई जाती है। ठीक है, गधे की लीद या गोबर भी कह सकते हैं, वो मिलाया जाता है ताकि जो है मजबूत बने और थोड़ा अच्छा दिखे, इसलिए गधे की लीद भी जो है इसमें मिलाई जाती है। फिर उसके बाद में इसे हाथ से आकृति बनाई जाती है, जो भी आकृति इनको देनी है, चाहे सजावटी वस्तु है, चाहे लोक देवता की, या फिर पौराणिक जो है कलाकृति बनानी है, जैसी भी आकृति इनको बनानी है वो बनाई जाती है। फिर उसे बनाकर सप्ताह भर उसे सूखने दिया जाता है। सूखने के बाद में इसे 800 डिग्री टेम्परेचर पर इसे पकाकर उस पर गेरुआ रंग, ये ध्यान रखिए, गेरुआ जिसमें लाल और भूरा भी कह सकते हैं, लाल और भूरा रंग या गेरुआ रंग कह सकते हैं, ये रंग विशेषता है, विशेष रूप से इसमें दिया जाता है, और फिर इसे बेचने के लिए तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, टेराकोटा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कुम्हार के चक्के का प्रयोग इसमें कम होता है। जो भी कलाकृतियां बनाई जाती है वो विशेष रूप से हाथों से बनाई जाती है, चाक का प्रयोग जो है वो कम किया जाता है। चाक आप सभी को पता होगा कुम्हार घड़े बनाने के लिए करता है, तो इसमें चाक का प्रयोग बहुत कम से कम किया जाता है, हाथों से ही ये ज्यादातर बनाई जाती है। यदि अन्य स्थानों की बात की जाए कि और कहां कहां पर ये प्रसिद्ध है,
तो अन्य स्थान जो है वो है हरजी, जो जालोर में प्रसिद्ध है। वहां पर घोड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, जो मामा जी जो है हमारे लोक देवता उनको चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, और वहां पर अलग अलग की जो है मिट्टी की जो है कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा कागजी टेराकोटा जो है वो अलवर की प्रसिद्ध है, ठीक है, कागजी टेराकोटा जो है वो अलवर की प्रसिद्ध है, और सुनहरी टेराकोटा जो है वो आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो टेराकोटा के बाद बारे में आपको बस इतनी जानकारी रखनी है कि ये मिट्टी से बनाई जाती है और उसके द्वारा जो है वस्तु बनाई जाती है, अलग अलग सजावटी, चाहे लोक देवी देवता, चाहे किसी देवी भगवान की या किसी खिलौने का आकार दिया जाता है उसे कहा जाता है टेराकोटा। और राजस्थान में विशेष रूप से मोलेला नाथ द्वारा में ये बनाई जाती है, वहां पर इसे हिंगाण कला भी कहा जाता है। मोहनलाल कुमावत का नाम आप जरूर ध्यान रखें, और बनाने की जो विधि है इसे भी आप ध्यान में रखें दोस्तों। इस बार पूछा गया था लेकिन जानकारी के लिए आगे आपको अपडेट रखना है कि इसी प्रकार से किसी और कलाकृतियों के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। ये थी हमारी टेराकोटा के बारे में जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप RPSC का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आपके लिए कोर्स के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन यदि आप GL10 अप्लाई करोगे तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। एडमिशन लेने के लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान एग्जाम इन 10। यहाँ पर आपको शॉर्ट और समराइज जो है कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, जुड़े रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।